ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ 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 ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟ
कभी रंजन बनवाना, कभी कनकी बनवाना। ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಳೆದ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾತರದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಜಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಜಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಜಿ, ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಿ, ಮುನಿಯಪ್ಪ ಜಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಜಿ, ಡಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ, ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜಿ, ಎಸ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜಿ, ಸತೀಶ್ ಜಗ್ಜೀವನಿ ಜಿ, ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಜಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ, ಪೆರೋ ಸಾನ್ ಜಿ, ಸಾಕಿರಿ ಸೇರಜನಾಥ್ ಜಿ, ಜಗದೇವ್ ಗೋಟೆಲಾಲ್ ಜಿ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಎಂಎಲ್ಎ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹಮಾರಿ ಸೀನಿಯರ್ ನೇತಾ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಭಾಯೋ ಮೇರೋ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಮರೆ ಮಿತ್ರೋ ಆಪ್ ಸಬ್ ಕಾ ಯಹಾನ್ ದಿಲ್ ಸೇ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಸ್ವಾಗತ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಭೆ ತಕರೀಬನ್ 371 ಜೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇ ಹೀ ಬೋಲೇಂಗೇ. ಅಡ್ವಾಣಿ ಜಿ ನೇ ಬಯಾನ್ ದಿಯಾ ಥಾ, ಬಿಜೆಪಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಕೋ ಉನ್ಹೋನೆ ಕಹಾ ಥಾ ಕಿ 371 ಜೆ ಕ್ಯಾ ಹೀ ನಹೀ ಜಾ ಸಕತಾ ಹೈ, ಔರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ನೇ, ಖರ್ಗೆ ಜಿ ನೇ, ಹಮ್ ಸಬ್ ನೇ ಮಿಲ್ಕರ್ 371 ಜೆ ಆಪ್ಕೋ ದೇ ದಿಯಾ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಮಿಲಿ, ಪಹಲೆ 350 ಕರೋಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಆತಾ ಥಾ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371 ಜೆ ಕೆ ಬಾದ 4,000 ಕರೋಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಆತಾ ಹೈ, ಔರ್ ಆಪ್ಕಿ ಜಿಂದಗಿ ಕೋ 371 ಜೆ ನೇ ಬದಲ್ ದಿಯಾ. 19,000 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಔರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಕಿ ಸೀಟೆ ಆಪ್ಕೆ ಲಿಯೇ ರಿಸರ್ವ್ ಹೈ, ಬಾಕಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ 20,000 ನೌಕರಿಯಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆ ಲಿಯೇ ರಿಸರ್ವ್ ಹೈ. ನ್ಯಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬನಾ, 3 ನಯೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬನೆ, ಆಪ್ನೆ ರಿಸರ್ವ್ ಹಮಾರೇ ಉಪರ್ ಭರೋಸಾ ಕಿಯಾ, ಸಿರ್ಫ ಮೇರೆ ಉಪರ್ ನಹೀ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೀ ಪೇ, ಖರ್ಗೆ ಜೀ ಪೇ ಹಮಾರೇ ಸಬ್ ನೇತಾ ಬೈಠೆ ಹೈ, ಔರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾ ಪೇ ಆಪ್ ಲೋಗೋಂ ನೇ ಭರೋಸಾ ಕಿಯಾ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾ ಆಪ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಆಯಾ ಥಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿ ಜನತಾ ಕೆ ಪಾಸ್ ಆಯಾ, ಔರ್ ಆಪ್ನೆ ಉನ್ಕೊ ಭರೋಸಾ ಕಿಯಾ, ಆಪ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರ ಬನೀ, ವಾಯ್ದಾ ಹುವಾ ಔರ್ ಹಮ್ನೇ ಪೂರಾ ಕಿಯಾ. ನೇತಾ ಕೆ ಪಾಸ್
हमारे मुंह से निकलता है उससे जरूरी कोई बात नहीं होती थी, क्योंकि हमारा रिश्ता आपके साथ बनता है, वो सिर्फ हमारे शब्दों में बनता है, हमारे वायदों में बनता है, हमारे मान में बनता है। दूसरी तरफ बीजेपी को महाशय देते थे, शायद जहां आपने कोई भी चीज आपसे कहा होगा कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को मैं 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल के देती हूं। उसी भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने कहा होगा कि जैसे ही मैं प्रधानमंत्री बनूंगा किसानों को उनके अनाज के लिए उनकी सब्जी के लिए मैं सही दाम दिलाऊंगा। उसी भाषण में उन्होंने कहा होगा मुझे प्रधानमंत्री बनाओ तो 2 करोड़ युवाओं को हर साल में रोजगार दूंगा। किसान लगता माफी की बात नहीं होगी, मगर 4 साल हो गए उनका एक वायदा पूरा नहीं हुआ। क्या यहां पे एक व्यक्ति है जिसके बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी ने 15 लाख करोड़ 10 रुपए डाले? एक ही नाम पे हमने पार्टी में नाम से पूछा मैं दुकान पे था। खड़गे जी ने भी कहा नरेंद्र मोदी जी आप बहुत आकर्षण करते हैं पार्लियामेंट के अंदर नहीं करते। हमने पूछा मोदी जी बता दीजिए आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? मोदी जी के सवाल का जवाब नहीं आया, मतलब उनके मंत्री ने बताया पार्लियामेंट हाउस में बताया। वायदा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, चुप्पे से मंत्री बोला 24 घंटे में पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ 450 युवाओं को रोजगार देती है। चाइना से हमारा मुकाबला है, जवान लोग जानते हैं मेड इन चाइना, वो उनके पीछे देखो मेड इन चाइना, घड़ी में मेड इन चाइना, शर्ट में मेड इन चाइना। चाइना की सरकार 50,000 युवाओं को 24 घंटे में रोजगार देती है और उनके मुकाबले में नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के युवाओं को 24 घंटे में 450 रोजगार देते हैं। कहां वायदा, कहां प्राइम मिनिस्टर का शब्द और कहां सच्चाई? मैं मोदी जी के ऑफिस में एक बार गया, उत्तर प्रदेश में यात्रा की, उत्तर प्रदेश के किसानों ने ऐसी मीटिंग में मुझे कहा कि राहुल जी आप जाके मोदी जी से कहिए, स्वयं कहिए कि हिंदुस्तान का किसान रो रहा है, दबा हुआ है, गुस्सा हुआ है, आप हिंदुस्तान के 10 सबसे बड़े उद्योगपतियों का 1,50,000 करोड़ रुपए काम कर सकते हो, कृपया करके हिंदुस्तान के किसान का भी कटा मांग कर दो। मैं क्या कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ में गया, मोदी जी के सामने बैठे थे और जो मैं आपसे कह रहा हूं मैंने मोदी जी के सामने कहा, मोदी जी हिंदुस्तान के किसान का कटा मांग कर दो, दबा हुआ है, रो रहा है, कुटा हुआ है, सबसे पहले किसान ने क्या गलती की? कर्नाटक के किसान ने, महाराष्ट्र के किसान ने क्या गलती की? अब तो मोदी जी का
ये देखो किसान से मजदूर से माताओं से हमने आधा पैसा छीन लिया।
जैसे शोले पिक्चर में कबीर सिंह आता था वहां तो वैसे मोदी जी ने कबीर सिंह टैंक लेकर के घर में और जो पचास आंदोलन पता वो भी छीन सब कंपनियां रोटी कंपनियां नष्ट हो गई। एक कंपनी थी जिसने 50,000 रुपए को 3 महीने में 80 करोड़ रुपए में बदल दिया। चांदी की कंपनी जय चांदी कंपनी मोदी जी को अमित शाह के पुत्र का भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। बहुत अच्छे दोस्त दूसरा उदाहरण लेता एक कंपनी 70 साल से इंडियन एयरपोर्ट के बाहर आई जा रही है। कर्नाटक के युवाओं को एक कंपनी में रोजगार मिलता है। हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है चेयर और बहुत अच्छा काम करते हैं। यूपीए सरकार ने रफाल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट जो एयरबोर्न से हम खरीद रहे थे रफाल का कॉन्ट्रैक्ट एजे कंपनी को दी। नरेंद्र मोदी जी जाते हैं पेरिस फ्रांस पता नहीं क्या होता है जादू से आज एजेएम से कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया जाता है और उनके उद्योगपति मित्रों को दे दिया जाता है। हमने उनसे तीन सवाल पूछे मोदी जी कर्नाटक से एजेएम से आपने रफाल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों छीना क्या कारण है। एजेएम 70 साल से हवाई जहाज बना रही थी जिस उद्योगपति को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसने अपनी जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया उल्टा उसके ऊपर 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है आपने एजेएम से छीना उसको क्यों दिया। दूसरा सवाल जब डिफेंस का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रधानमंत्री को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है क्या आपने परमिशन दी हाँ या ना। और तीसरा सवाल मोदी जी आपने कॉन्ट्रैक्ट बदला रखा है हवाई जहाज का क्या जहाज का दाम बढ़ा या घटा। सबसे आवश्यक चीज है कर्नाटक में गुजरात में सब जगह इन तीन सवालों का जवाब आज तक नहीं मिला। डिफेंस मिनिस्टर कहती है कुछ महीने पहले कहती है देशों रफाल हवाई जहाज का दाम हम बता देंगे। कुछ महीने पहले कहती है नहीं बता सकते। सीक्रेट मामला है ये फ्रांस की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार के बीच का मामला है। हिंदुस्तान की जनता को हम रफाल हवाई जहाज का दाम नहीं बताएंगे। अरे भैया पैसा तो आपका है पैसा आपका सरकार आपकी मगर रक्षा मंत्री हिंदुस्तान को रफाल हवाई जहाज का दाम नहीं बताने क्या। और फिर हमें कहते हैं भ्रष्टाचार बात करते हैं समय नहीं है नहीं तो कभी बिहार से जहां हजारों करोड़ का घटना मोदी जी ने करा है बोलो बड़े मजेदार कहानी है। जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी ने कहा
कि गुजरात में गुजरात पेट्रोलियम कंपनी ने तेल उठाया। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड गुजरात में मिली, 20,000 करोड़ रुपए सरकारी बैंक से लिया। भाई बहनों, 20,000 करोड़ रुपए गायब हो गए और आज तक तेल नहीं मिला। ये है नरेंद्र मोदी जी की गुजरात की सरकार। उसके बाद सरकारी कंपनी ने, इंडियन ऑयल कंपनी ने गुजरात की कंपनी की ऑयल फील्ड खरीदी। हम यहां आपकी सरकार चलाते हैं, गरीबों के लिए इंदिरा गारंटी, हम नहीं चाहते कि कर्नाटक में कोई भी भूखा रहे। और हमने ये सुना कि इसको और क्या दे हैं, हम ऐसे हम कर्नाटक में कोई भी भूखा नहीं होना चाहिए। किसान का कर्तव्य मोदी जी ने स्वयं कहा कि कर्नाटक की सरकार रोजगार हिंदुस्तान के देश है जो सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करती है। तो जो हम कहते हैं हम करते हैं। और मैं आपको यहां पर स्टेज कहना चाहता हूं कि आने वाले 5 साल में कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी और जो गरीबों की, किसानों की, कमजोर लोगों की सरकार होगी, दलितों आदिवासियों की सरकार होगी। मोदी जी आते हैं दलितों आदिवासियों की बात करते हैं, कहते हैं दलितों के लिए आदिवासियों की बात करना। गुजरात में दलितों की पटाई होती थी और गुजरात की सरकार को कुछ करती थी। आदिवासियों से जमीन जीते मगर गुजरात का आपको बताता हूं, SC ST में जो पैसा दलितों आदिवासियों को दिया जाता है, कर्नाटक की सरकार 27,700 करोड़ रुपए देती है। मोदी जी की सरकार दलितों और आदिवासियों को पूरे हिंदुस्तान में 55,000 करोड़ रुपए देती है। मतलब जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सब दलितों और आदिवासियों को देते हैं उसका आधा पैसा कर्नाटक की सरकार सिर्फ कर्नाटक के दलितों और आदिवासियों को देती है। तो हमारी कोशिश कि प्रदेश का पाया, प्रदेश का धन सब लोगों के हाथ में आए, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को भी ये लगे कि प्रदेश की सरकार मेरे पास है। और जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है वहां शांति होती है। बीजेपी के सैनिक हरियाणा में जाट और नॉन जाट के बीच में लगा दी, उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी को मान दी, राजस्थान में माइनॉरिटी को मान दी, गुजरात में दलितों की पैदा कर दी, आदिवासियों को मान दी और जाट में बैठे गुस्सा बना दी। जितना भी गुस्सा बनाया उतना प्यार आने लगा।
जितना लोगों को तोड़ेंगे हम लोगों को तोड़ेंगे। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, कर्नाटक में जो हमने पिछले 5 साल काम किया उससे तेजी से उससे बेहतर हम आने वाले 5 साल में काम करने जा रहे हैं, और प्यार से उनको एक बार लेकर हम इस प्रदेश को आगे ले जाएंगे। रात का समय है, आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರ ಪರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆ